नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोदयं मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयून जिनं वीरं अंतवर्णान दंशन सहावं ओच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली। नियम सार की 15 नंबर की गाथा गुरुदेव श्री के प्रवचन में 350 नंबर पेज प्रवचन रत्न चिंतामणि में। ये चर्चा कल हुई थी काफी निर्माणता वगैरह की। 349 नंबर के पेज के नीचे की लाइन देखना जरा। इस गाथा के अलावा अन्यत्र कहीं ऐसा स्पष्ट अर्थ नहीं है। अरे दिगंबर शास्त्रों में भी अन्यत्र ऐसी स्पष्टता नहीं है। ऐसा अपूर्व स्पष्टीकरण यहां मुनिराज ने किया है और फिर भी उनकी निर्माणता कैसी है। ये बात गुरुदेव ने कही तो प्रश्न किया शिष्य ने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह बात यहां क्यों आई। मैंने कारण शुद्ध पर्याय की जो बात है कि आई क्यों नियम सार में, क्यों लाई नियम सार में ये बात। इसका उत्तर देते बहुत अच्छा। क्योंकि यह नियम सार है सो मोक्ष मार्ग अर्थात पर्याय का अधिकार है। नियम सार का अर्थ शुरू में किया था अपने, नियम से करने योग्य जो दर्शन ज्ञान चारित्र और उसमें विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द का प्रयोग किया है। ये मोक्ष मार्ग की बात है। तो मोक्ष मार्ग यानी ये पर्याय का अधिकार है। वास्तव में तो ये नियम सार जो है ना ये पर्याय का अधिकार है ना। निर्मल मार्ग और मार्ग फल का निरूपण करने वाला शास्त्र है तो पर्याय का अधिकार है। अतः पर्याय का जो कोई वास्तविक स्वरूप है वह यहां आना ही चाहिए। अब पर्याय का जो भी वास्तविक स्वरूप है यानी कारण पर्याय कार्य पर्याय जो भी पर्याय के स्वरूप में होता है वो सब यहां आना ही चाहिए। आहा भगवान आत्मा के जो ये त्रिकाली द्रव्य गुण और ध्रुव पर्याय है उसके आश्रय से जो दशा प्रकट होती है जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वह पर्याय है। आ गया, बहुत अच्छा है। आशय यह है कि इस ग्रंथ में पर्याय का वर्णन है। किसका वर्णन है? मोक्ष मार्ग। देखो एक अधिकार खाली शुद्ध भाव अधिकार आया जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की चर्चा करता है यानी दृष्टि के विषय की चर्चा करता है। उसका भी कारण है। क्या कारण है? कि नियमसार कारण कार्य की शैली में लिखा है। ये अगर ये कार्य प्रकट हुआ है तो इस कार्य की प्रकटता का कोई कारण होना चाहिए। कारण के बिना कार्य नहीं आता। तो ये बताने के लिए एक शुद्ध भाव अधिकार आया और शुद्ध भाव अधिकार के बाद जितने अधिकार आए हैं वो मार्ग के और मार्ग फल के अधिकार हैं। अंतिम अधिकार शुद्ध उपयोग अधिकार आएगा वो मार्ग फल का अधिकार है और उसके अलावा जितने अधिकार हैं मतलब परमार्थ प्रतिक्रमण से लेकर परमावश्यक अधिकार ये मार्ग के अधिकार हैं। और शुद्धोपयोग शुद्ध भाव अधिकार के बाद एक व्यवहार चरित्र अधिकार आया तो वो व्यवहार चरित्र अधिकार मार्ग जब तक मार्ग की पूर्णता नहीं होगी तब तक दोष रूप भाव कैसे होंगे। क्या कहा? मार्ग की पूर्णता नहीं होगी ना तब तक दोष रूप भाव कैसे होंगे। उन दोष रूप भावों का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार चरित्र अधिकार आया। व्यवहार चरित्र माने दोष रूप भाव है। गुणे के दोष है, दोष है ना, दोष है तभी तो उनको छोड़ते हैं। तो लेकिन ये दोष में भी यही होंगे, इससे विपरीत नहीं हो सकते। मैंने दोष की भी एक मर्यादा है। शुभ भाव है ना वो दोष रूप है
लेकिन दोष रूप होने पर भी उस राग की मर्यादा है, उससे विरुद्ध जाति का राग नहीं होगा, इस अपेक्षा से उसे गुण कहते हैं, ये समझ लेना। तो ये पर्याय का कथन है। इस कारण इसमें इसमें यह कारण शुद्ध पर्याय भी आई है, अर्थात मुनिराज ने कारण पर्याय की बात की है और स्वयं आचार्य अर्थात कुंद आचार्य भी पाठ में अर्थात गाथा में यही कहते हैं कि कर्मोपाधि विभज्य पज्जाया अर्थात कर्मोपाधि रहित पर्याय स्वभाव पर्याय हैं तथा निर्वेक्षा निरपेक्ष, यह शब्द भी आया था ना 14वीं गाथा में, निरपेक्ष शब्द है वो 14 नंबर की गाथा में आया है निरपेक्ष शब्द। सो उस निरपेक्ष पर्याय को यहां कर्मोपाधि रहित पर्याय कही है और पज्जाया ऐसा बहुवचन है, पज्जाया ये बहुवचन है, इसलिए कहते हैं कि स्वाभाविक पर्यायों के दो भेद हैं, एक कारण शुद्ध पर्याय और एक हो गया कार्य शुद्ध पर्याय। अंदर गाथा में ही इस कारण पर्याय की बात है और उसमें से मुनिराज ने निकाली है, बराबर। अहो यह तो अचिंत्य अद्भुत बात है, आहा ऐसा जैन दर्शन अलौकिक है और उसमें यह दिगंबर दर्शन ही सच्चा जैन दर्शन है। दिगंबर दर्शन, बाकी तो नाम जैन का धराया लेकिन मूल मार्ग से भटके हुए हैं। यह बात लोगों को पक्षपात, इस बात में लोगों को पक्षपात जैसा लगता है कि ये तो दिगंबर धर्म की बात करते खाली है ना, परंतु भाई ऐसी बात दिगंबर संतों अर्थात केवली के आरतिया मुनिराजों के अलावा अन्य कहीं है ही नहीं, परंतु वे सच्चे भावलिंगी मुनिवर, ये एक विशेषता है, मात्र नग्न होकर मुनि हो जाना ही सच्चा मुनिपना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो अनंत बार जी, इस अनंत बार हर अपन सभी जीवों ने किया है, और अगर मात्र वस्त्र रहित पने का नाम ही मुनिपना हो तो तिर्यंच और नारकी को तो वस्त्र होते ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद आचार्य अष्टपावण में कहते हैं कि यदि वस्त्र का त्याग का नाम ही मुनिपना हो तो फिर तिर्यंच और नारकी, देवों के मान लो वस्त्र होते हैं, मनुष्य के होते हैं, तिर्यंच और नारकी के तो होते नहीं फिर, है ना। तो अकेले वस्त्र के त्याग का नाम मुनिपना नहीं है, और मुनिपना हो और वस्त्र का त्याग ना हो ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने इसका मतलब कोई क्या ठीक है साहब फिर तो नहीं, मुनिपना होगा तो राजमार्ग यह है कि वहां वस्त्रादि परिग्रह नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था है। अहो भावलिंगी संतों ने तो पाताल तोड़कर वस्तु के तल की अर्थात अंदर की अजब गजब की बातें की है। भाई तेरे अंदर में ऐसा पारनामिक भाव है, इसलिए वहां दृष्टि कर तो तुझे सम्य दर्शन होगा। पारनामिक भाव में दृष्टि कर तो सम्य दर्शन होगा, कारण कि इन तीनों की अर्थात द्रव्य गुण और कारण पर्याय की यथार्थ पने की हुई अंतर प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। आ गया, इनकी यथार्थ रूप से जो प्रतीति है द्रव्य गुण और कारण पर्याय अभेद रूप से, तो इनकी जो यथार्थ प्रतीति है अर्थात ये मैं हूं ऐसा जो स्वीकार है उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अर्थात प्रशंसनीय दर्शन, प्रशंसा के सम्यक माने प्रशंसनीय दर्शन। अतः कहते हैं कि उसके लिए ऐसी जो यथार्थ वस्तु है उसकी अंदर में एकाग्रता कर। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी कहा है कि जो पंचम पारनामिक भाव की परिणति है वही कारण शुद्ध पर्याय है, और कारण शुद्ध पर्याय का मनन कार्य शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति का साधन है। ये शीतल प्रसाद जी का नाम क्यों आया, बताया था मैंने शुरू में कि नियमसार ग्रंथ सबसे पहले इसका हिंदी भावानुवाद, भाषानुवाद नहीं भावानुवाद प्रकाशित करने का श्रेय ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को जाता है। उन्होंने किसी शास्त्र भंडार में से इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति मिली उनको,
और उन्होंने उसको हिंदी टीका लिख करके सबसे पहले सूरत से प्रकाशित कराया, मूलचंद किशनदास कापड़िया, जो दिगंबर जैन पुस्तकालय है ना, वहां से उसका प्रकाशन हुआ और वो ग्रंथ गुरुदेव श्री के हाथ में आया। और फिर जब गुरुदेव श्री ने उसको पढ़ा स्वाध्याय, पहले जो शुरुआत में जो प्रवचन किए ना, तो उसी ग्रंथ के आधार पर किए, और फिर गुरुदेव को यह भावना हुई कि इस ग्रंथ का संस्कृत की शब्द से अनुवाद होना चाहिए, तो फिर गुरुदेव की आज्ञा से पंडित हिम्मत भाई जी ने वो काम किया है। कारण पर्याय, मुमुक्षु कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कारण पर्याय की बात इसी ग्रंथ में आई, अन्य ग्रंथ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? प्रश्न तो अच्छा है कि इसी ग्रंथ में आई और में आई नहीं, कारण क्या? कि देखो यह नियम सार ग्रंथ पर्याय का ग्रंथ है, नियम सार का अर्थ ही मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए इसमें पर्याय के वास्तविक स्वरूप की पूर्णता क्या है, है ना, यह बात आई है, और अन्य में विषय न होने से यह बात नहीं आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब आचार्य कुंद कुंद को या इनके टीकाकार को ही कारण शुद्ध पर्याय की बात पता थी, है ना, औरों को पता नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विषय, क्योंकि आचार्य क्या होता है कि जब जिसका विषय होता है वहां वो बात करते हैं, तो यहां पर वो मोक्ष मार्ग का विषय था, तो मोक्ष मार्ग के विषय में ये सारी बात आई है। गाथा में आचार्य देव ने स्वयं कहा है ना कि कम्मोपाधि विभज्य पज्जाया ते स्वभाव मिधि भणिदा, भगवान ने कर्मोपाधि रहित पर्यायों को स्वाभाविक पर्याय कहा है। कर्मोपाधि रहित पर्यायों को स्वाभाविक, कर्मोपाधि रहित माने जिसमें कर्म के सद्भाव अथवा अभाव दोनों की कोई उपाधि लागू नहीं पड़ती। आगे सद्भाव, हम क्या समझते हैं सद्भाव को, तो हम समझते हैं उपाधि, और कर्म का अभाव होकर के निर्मलता प्रकट हो गई ना, तो हम क्या समझते हैं कि ये निरुपाधि है, ऐसा नहीं है भाई। सद्भाव था उस तभी तो अभाव हुआ, तो अभाव में भी एक उसके सद्भाव की अपेक्षा आई कि नहीं आई, क्योंकि अगर सद्भाव नहीं होता तो अभाव कैसे होता। जैसे समय सार में एक आया गाथा छह में, प्रमत अप्रमत नहीं की चर्चा आई, बहुत अच्छी चर्चा आई, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी उनने कि एक शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, है ना, ज्ञायक भाव से शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो अभी प्रश्न ये करें अपन कि भाई साहब शुभ और अशुभ भाव ये तो प्रमत्त दशा के भाव है, तो शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ तो प्रमत्त नहीं हुआ, आप ये कहो ना, अप्रमत्त नहीं हुआ ये कैसे कहते हो? आया समझ में कुछ? क्या कहा? शुभाशुभ भाव रहित है इसलिए वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, छठी गाथा ये बोलती है। तो शुभाशुभ भाव तो प्रमत्त दशा के भेद है ना, तो फिर शुभाशुभ भाव के नहीं होने से तो प्रमत्त नहीं हुआ ये कहो, आप अप्रमत्त नहीं हुआ कैसे कहते हो? देखो इसका स्पष्टीकरण छठी गाथा के भी गुरुदेव श्री के खाली 13वीं बार के प्रवचनों में आया है, सन 61 के जो प्रवचन है उसके बाद, वो भी मैंने उनके उसके बाद के प्रवचन अपन सुनेंगे ना, तो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होने से प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं करके आगे बात चल जाती है। उसका उसका उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण वहां दिया कि शुभ और अशुभ भाव के होने कि शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, ये बात बराबर है कि शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, तो जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता वो उनके अभाव रूप होगा कि नहीं होगा? भाई जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमा, जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ, तो वो उनके अभाव में होने वाले भाव रूप कैसे होगा? मतलब क्या कि जो बंध रूप नहीं परिणमा, जिसको बंधन नहीं हुआ तो उसको मोक्ष होगा क्या, है ना? और ये बात गुरुदेव श्री ने उन प्रवचनों में लिया, और लालचंद भाई का आज मैंने एक छठी गाथा में सुना था, आज बहुत अच्छा प्रवचन था, तो छठी गाथा के प्रवचन में उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे से खोला कि भाई जो ज्ञायक भाव है ना, वो ज्ञायक भाव किसी भी परिणाम मात्र नहीं होता, परिणाम किसी भी परिणाम में नहीं आता, तो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता वो,
तो शुभ और अशुभ के अभाव होने पर जो भाव होता है, क्या कहा, शुभ और अशुभ के अभाव होने पर जो भाव होता है उस भाव रूप भी गैर भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप हुआ हो तो अभाव रूप होगा, तो उनके अभाव रूप होगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? आ गया ना? ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गायक भाव त्रिकाल गायक भाव रहा है, वो किसी भी पर्याय भाव रूप नहीं होता, चाहे वो शुभाशुभ भाव के होने रूप हो और चाहे वो शुभाशुभ भाव के नहीं होने रूप हो। क्योंकि होने में कर्म के सद्भाव की उपाधि है, माने कर्म का संयोग की उसमें उपाधि आती है, तो उसको संयोगी भाव हो गया वो, तो कर्म के सद्भाव की उपाधि, और उसके अभाव में कर्म के निमित्त के अभाव की अपेक्षा आती है। तो कर्म के निमित्त का अभाव वो क्षयिक भाव है, और कर्म के निमित्त का सद्भाव में होने वाला भाव कि वो औदयिक भाव है। बाकी के बीच में औपशमिक और चौपशमिक ऐसे समझ लेना। आ गया? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो होने रूप होता ही नहीं, वो तो हे रूप है। होना ये पर्याय का धर्म है और है ये स्वभाव। आया? देखो जिनागम्भी जब प्रथम भूमिका में शिष्य के सामने बात करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु की बात करेगा, प्रमाण के विषय की बात करेगा, तो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे सब बात करेगा, लेकिन उससे मात्र पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जीव पदार्थ की सिद्धि तक तो अनंत बार आया, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि जो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव तत्व के अवलंबन से होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रकट पर्याय का कोई अपेक्षा जिसको नहीं है, ऐसा जो निरपेक्ष ध्रुव तत्व है जिसके अंदर द्रव्य गुण और कारण पर्याय सम्मिलित है, ऐसा जो ध्रुव तत्व है उसके अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय वो कार्य शुद्ध पर्याय कहलाएगी, है ना? एक अपेक्षा से उसको कर्म उपाधि निरपेक्ष भी कहेंगे, लेकिन कर्म उपाधि निरपेक्ष कैसी? प्रकट हुई निरपेक्ष पर्याय है वो, प्रकट हुई। मतलब दो अपेक्षाएं बताई थी कि नियम सार में एक जगह उसी को स्वभाव पर्याय भी कहा और एक जगह उसी छायिक भाव को विभाव भाव भी कहा, विभाव माने विशेष भाव रूप भाव, ये भी कहा। ये सब बातें इसमें आती है। तो देखो यहां पे कहा कि पर्यायों को स्वाभाविक पर्याय कहा है। भाई यह पर्याय भी भगवान ने कही है ऐसा कहा है। गाथा में भणिदा शब्द है, उसका आशय है कि भगवान तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर ने कर्म की उपाधि रहित ऐसी स्वभाव पर्याय के दो प्रकार कहे हैं, दो प्रकार कहे हैं, और वे यहां कहे गए हैं ऐसा मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं। भाई ये बात सुनने को मिलना भी महाभाग्य है, क्योंकि ऐसी बात तो किसी समय ही आती है, हां, जब गणधर और संत इसकी व्याख्या करते होंगे, हां, तब कैसी अलौकिक बात कहते होंगे, अहो यह अजब गजब की बात है। देखो दो बातें, तीन बातें कह दी इसमें, कि एक तो ऐसी बात सुनने को मिलना वो महाभाग्य है, महाभाग्य, तब तो ये बात कान में पड़ती है, एक बात, क्योंकि ऐसी बात हर समय नहीं आती है ना, बहुत मुश्किल से कभी कभी ऐसी बात आती है। और फिर उसके बाद एक और भावना भाई, कि गणधर और संत जब कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या करते होंगे तो कैसी अद्भुत बातें कहते होंगे, है ना? वो तो अपनी भावना का विषय है, हैं? ऐसा जब तक वो नहीं मिले तो भावना का विषय है वो अपना। देखो आहा, आत्मद्रव्य त्रिकाली ध्रुव है और उसका ज्ञान गुण भी त्रिकाली ध्रुव है, तथा उस ज्ञान गुण की कारण पर्याय भी ध्रुव त्रिकाल है, और उसके आश्रय से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है।
केवल ज्ञान की होती तो समय दर्शन वगैरह सब ले लेना उसमें, एक केवल ज्ञान को लिया तो बाकी जो भी प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय है ना वो सब आ गई इसमें। जैसे आत्म द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है और उसका दर्शन गुण भी त्रिकाली ध्रुव है, यहां दर्शन में श्रद्धा और दर्शनोपयोग दोनों लिए हैं। यह आया था 13 नंबर की गाथा में, कारण दृष्टि की चर्चा आई थी। आहा, उस त्रिकाली श्रद्धा शक्ति और त्रिकाली दर्शनोपयोग की कारण शुद्ध पर्याय भी ध्रुव त्रिकाल है, श्रद्धा की भी और दर्शन की भी। आया ना, सभी गुणों की पर्याय कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाल है, अर्थात दर्शन गुण की कारण पर्याय वह त्रिकाल ध्रुव पर्याय है। हाँ, त्रिकाली श्रद्धा का अंश रूप कारण पर्याय, त्रिकाली श्रद्धा का अंश रूप कारण पर्याय पारिणामिक भाव रूप है। आ गया ना, क्योंकि वो त्रिकाली में वर्तमान ऐसा भेद पड़ा ना, इसलिए उसको अंश कहा। त्रिकाली में वर्तमान ऐसा भेद पड़ा, इसके लिए उसे कहा अंश रूप। और त्रिकाली दर्शन उपयोग की पर्याय भी पारिणामिक भाव रूप है, ठीक है। इसलिए उसमें एकाग्र अर्थात लीन होने से छायिक संकित की और केवल दर्शन का उपयोग उत्पन्न होता है। आहा, वह पर के कारण से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है, ना तो सम्यक दर्शन और ना तो केवल ज्ञान कोई पर के कारण से उत्पन्न हो ऐसा नहीं है। ये यहां पे कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए कि पर से कुछ होता है। मुमुक्षु, ये श्रोता का प्रश्न है कि छायिक संकित तो भगवान के समीप होता है ना, देखो सर्वत्र निमित्त की प्रधानता, अर्थात बोलबाला है कि छायिक संकित तो केवली के समीप में होता है, केवली या शुद्ध केवली, सब जगह निमित्त का बोलबाला है, निमित्त नहीं हो तो काम हो ही नहीं। ये शिष्य का प्रश्न आ गया। गुरुदेव, अरे भगवान यह तू क्या कहता है, इस कथन में तो वहां भगवान का समीपपना बतलाया है, बस इतना। इस कथन का मतलब क्या है कि जिस समय छायिक सम्यक तो होता है उस समय उस जीव को भगवान की अथवा शुद्ध केवली की समीपता होती है, ये बताना उस कथन का प्रयोजन है। लेकिन केवली के कारण से छायिक सम्यक तो हो ऐसा नहीं है। देखो कुंद आचार्य थे, पंचम काल के आचार्य, महासमर्थ आचार्य, समोसरण स्तुति में हिम्मत भाई ने जब भगवान के विदेह क्षेत्र जाने की घटना का बहुत भाव विभोर वर्णन किया है कि भगवान कुंद आचार्य पोन्नूर हिल में ध्यान मग्न थे और कोई तत्व की सूक्ष्म बात, कोई भी सूक्ष्म बात उनके चित्त में उठी और उसका समाधान, तो एकदम उनको लगा कि रे रे सिमंदर नाथ ना विरह पड़या आ भरतमा, कि ये भगवान का केवली परमात्मा का विरह इस भरत क्षेत्र में पड़ा। और इतना तीव्र विरह उन्हें लगा कि ऐसा उनका पुण्य उदय था और अंतर की पवित्रता थी कि वो विदेह क्षेत्र पहुंच गए। अब वो कैसे पहुंचे, देव ले गए या कोई भी ले गया, वो कुछ भी पहुंच गए। अब पहुंच गए तो वहां के आदमी 500 धनुष और ये 7 हाथ है ना, एक हथेली पे उठा लिया चक्रवर्ती, और पूछे साहब ये मनुष्य आकार का किस जाति, ये मनुष्य आकार वाला कौन सी जाति का कीड़ा है ये। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ कुंद आचार्य हैं। अब भगवान सिमंदर की दिव्य ध्वनि में जिनके लिए भरत क्षेत्र के महासमर्थ कुंद आचार्य ऐसा शब्द निकला हो, क्या अद्भुत बात होगी है ना। तो देखो अब वो अपने को तो दूसरा लेना उसमें से कि 8 दिन भगवान के समीप रहे, शुद्ध केवलियों की चर्चा भी सुनी, अपने को तो शंका करने का कोई कारण ही नहीं। लोगों को शंका होती ना आजकल कि ये सब फालतू की बातें है ना। युगल जी से कहा कि साहब ऐसा हो सकता है क्या, पंचम काल में ऐसा हो सकता है क्या, तो युगल जी साहब बहुत अच्छा उत्तर देते थे इसका, कहते हिमुंडाव सर्पणी काल में वो बातें हुई है जो नहीं हो सकती। तीर्थंकर के पुत्रियां हुंडाव सर्पणी काल में हुई है, चक्रवर्ती का मान भंग होना हुंडाव सर्पणी काल में हुआ है,
तीर्थंकरों पे उपसर्ग होना हुंडाव सर्पणी काल में हुआ है, तीर्थंकर को आहार नहीं मिलना हुंडाव सर्पणी काल में हुआ है। अरे और तो और केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कोई ऐसा इतिहास तो ढूंढ के लाओ कौन से तीर्थंकर के काल में नहीं खुली खिरी दिव्य ध्वनि, है ना है? तो ये सब काम हुए कि नहीं, तो इसमें तुम शंका नहीं उठाते तो बस समझ लो हुंडाव सर्पणी काल का ये भी एक कमाल के कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र चले गए। शंका करने की गुंजाइश कहां है? शिलालेख प्रमाण है, आचार्य देवसेन का कथन प्रमाण है, आचार्य जयसेन का कथन प्रमाण है, और अष्ट प्रावुड की श्रुत सागर भट्टारक ने टीका लिखी है। हालांकि टीका तो प्रमाणिक नहीं है वो, लेकिन उन्होंने 20 पंथी थे वो, तो उन्होंने ये टीका लिखी तो उसमें उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया। इतने तो आचार्यों के प्रमाण, शिलालेख के प्रमाण, और हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण गुरुदेव श्री और बहन श्री का जीव विदेश क्षेत्र में उस समय वहां उनकी उपस्थिति। हमारे लिए दूसरा कोई प्रमाण चाहिए नहीं कि जिन्होंने साक्षात देखा कुंदकुंद आचार्य को, हमें कौन सा प्रमाण चाहिए अभी? और शास्त्रों में मिला ना, फिर वो प्रमाण तो शास्त्रों में मिला, देवसेन आचार्य ने लिखा और जयसेन आचार्य ने 85 काय की टीका में लिखा, अष्टपावड़ में लिखा, शिलालेख मिलते हैं, अभी क्या चाहिए और है कुछ, है ना? तो अब मेरा मेरे को दूसरी बात कहना है यहां पे कि भैया वो वहां पे रहे, केवलिका पादमूल था, शुद्ध केवलिका पादमूल था, 8 दिन तक पादमूल रहा, छाइक सम्यक तो क्यों नहीं हुआ, बोलो भाई? अगर केवली शुद्ध केवली के पादमूल से होता है तो छाइक क्यों नहीं हुआ? और चौथे काल में भगवान सीमंदर के समोसरण में क्या हम नहीं थे? हमेशा चौथा काल रहता है, तो क्या हम कभी विदेश क्षेत्र जन्मे ही नहीं? गुरुदेव मिथ्यात्व की भूमिका में क्यों आ गए वहां से? सम्यक तो लेकर, सम्यक तो हुआ होता तो यहां नहीं आते, क्यों आए? केवली का दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे ना, अगर पाद मूल से होता हो तो आपका हमका सबका कल्याण हो गया होता अब तक, क्योंकि अनंत बार भगवान के समो शरण में अपन लोग गए, मणि रत्न के दीपकों से और कल्प वृक्ष के पुष्पों से भगवान की पूजा की। कल्प वृक्ष के पुष्प, कल्प वृक्ष नाम तो है कल्प वृक्ष, और होता है पृथ्वी का है, सचित नहीं होता वो, आ गया। और मणि रत्न के दीपक, ऐसे नहीं मच्छर मरे ऐसे दीपक, आ गया। इनसे भगवान की पूजा की, नहीं हुआ। निमित्त से क्या होता है? उपादान जागृत नहीं हो तो निमित्त क्या करेगा, आ गया। तो कहते ओ समीपना बतलाया है, सुन भगवान तो वहां निमित्त मात्र होते हैं, बस इतनी ही बात है। भगवान कुछ कर देते हैं, और भगवान कर देते तो आदिनाथ भगवान तो अपने पोते को नहीं जाने देते ना, हम तो सारी दुनिया को सुधारने का ठेका लेके लेके हम तो ऐसा करें, हम ऐसा करें, वो अपने पोते को, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर और चक्रवर्ती पिताजी, एक डंडा मारे तो सही हो जाए, अकल ठिकाने आ जाए, नहीं नहीं मारने का भाव आया, डंडा नहीं मार सकते थे महाराज को, विरोध करता है दादाजी का। ज्ञानी जानते हैं कि जिस जीव का जैसा परिणमन होना है उसमें इंद्र अहमिंद्र और जिनेन्द्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और उसको निगोज जाना है, चौबीसों तीर्थंकर होना है तो निगोज जाना ही है, बीच में इतना काल बाकी है, तो भगवान की वाणी के विरोध का परिणाम नहीं आएगा तो कैसा परिणाम आएगा? तत्व दृष्टि से हर चीज का समाधान है, आ गया। इतनी बात है, बाकी उस काल में उपशम संकित या छाइक संकित की पर्याय भी, अंदर जो त्रिकाली श्रद्धा गुण और उसकी जो कारण पर्याय है उसके आश्रय से प्रकट होती है। मैंने किसी को पहली बार सम्यक कहो वहां पे उपशम सम्यक होगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि केवली भगवान का पादमूल है तो उपशम की क्या जरूरत है जी, पहले नंबर में छाइक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, होता है ऐसा? उपशम ही होगा, और हो सकता है उपशम के बाद वहीं से छाइक छपशम करके वापस आ जाए, छाइक नहीं भी हो, ऐसा भी होता है। अब जब अन्य गुण के आश्रय से भी संकित प्रकट नहीं होता, अन्य गुण माने श्रद्धा गुण के अलावा आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों के आश्रय से भी सम्यक प्रकट नहीं होता, वहां
निमित्त के और पर के आश्रय से वह प्रकट हो, यह बात ही कहां रही? आ गया? अरे तुम निमित्त की बात करते हो, गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां पे? तुम निमित्त की बात कर रहे हो, आत्मा के अन्य गुणों के, सद्धा गुण के अलावा अन्य गुणों के आश्रय से भी समय दर्शन नहीं, अन्य गुणों का भी कार्य नहीं है, ऐसे समय लगाना हर गुण के कार्य में, तो भगवान के कारण से वहां समय दर्शन प्रकट हो जाए, ये बात कहां रही? ऐसा है ही नहीं। यह तो भेद से ऐसा कथन किया है, वरना वस्तु अर्थात द्रव्य गुण और कारण पर्याय तो अभेद है, और संकित में अभेद की ही दृष्टि होती है। गुण भेद की दृष्टि तो गुण भेद की दृष्टि नहीं, और कारण पर्याय का भेद भी नहीं। आ गया? अभेद। ये तो क्या समझाने के लिए, ये तो भेद से समझाया कि उसकी दृष्टि में क्या क्या आया। नहीं, दृष्टि में ऐसे तीन टुकड़े कर, तीन टुकड़े हो गए थोड़ी दृष्टि होती है, क्योंकि दृष्टि का मतलब होता है मैंपना। तो वो मैंपना तो द्रव्य गुण और कारण पर्याय, ये जो अभेद रूप है इसमें मैंपना होता है, इसका नाम समय दर्शन है। जैसे गुण भेद भी नहीं और पर्याय कारण पर्याय का भेद भी नहीं वहां। यहां तो यह कहना है कि आत्मा के अनंत गुणों में से एक श्रद्धा गुण में से श्रद्धा की पर्याय का प्रवाह आता है, उसी प्रकार दर्शन का उपयोग भी दर्शन गुण में से आता है, पर में से अथवा पर के कारण से आता है, ऐसा है ही नहीं। कितनी स्पष्ट बात है भैया? हां, त्रिकाली कारण नित्य विद्यमान है, उसका मनन करने पर उसमें से यह श्रद्धा और दर्शन का कार्य आता है, ऐसा कहते हैं। त्रिकाली कारण तो निरंतर विद्यमान है, कारण में कमी नहीं, त्रिकाली तो निरंतर विद्यमान है। जिस समय उसका मनन, मनन का मतलब उस ओर लक्ष्य करे, उस ओर झुकाव करे, उस ओर सन्मुखता करे, तो निर्मल पर्याय रूपी कार्य प्रकट हो जाता है। इसी तरह चारित्र गुण की जो पर्याय अर्थात कारण पर्याय त्रिकाल है, अंदर चारित्र गुण के साथ तन्मय रूप से, तन्मय रूप जो कारण पर्याय है उसमें एकाग्र होने से उसमें से चारित्र की अर्थात वीतरागता की पर्याय बाहर आती है। हम कहां से लेना चाहते? हम बाहर से चारित्र लेना चाहते हैं, हम बाहर से समय दर्शन लेना चाहते हैं, हम बाहर से सब कभी संभव ही नहीं। बालू रेत में से तेल निकले तो बाहर में से कुछ आ गए, बाहर के व्यवहार में से राग में से नहीं। इसी तरह भगवान आत्मा एक एक गुण पे, कुछ गुणों पे घटित करेंगे, फिर वो कहेंगे ऐसे सब पे लगा लेना। इसी प्रकार भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु नित्यानंद स्वरूप है। शब्द भी कहां कहां से लाते हैं, आनंद कंद प्रभु नित्यानंद स्वरूप है। शकरकंद होता है ना, उसमें अपने को वो भक्ष अभक्ष का विचार नहीं लेना, अभी उसमें लेना, शकरकंद सर्वांग मिठास रस से भरा है। इसी तरह भगवान आत्मा सर्वांग आनंद रस से भरा है ना, वो तो नित्यानंद स्वरूप प्रभु है। दुख उत्पन्न हो ऐसा कोई गुण आत्मा में है ही नहीं। आत्मा को भूलने का नाम दुख है, आत्मा के अवलंबन से कभी दुख होता ही नहीं, इसलिए ज्ञानी को कोई दुखी कर सकता नहीं। अच्छा, आनंद उसका त्रिकाली गुण अर्थात स्वभाव है, और उसकी कारण पर्याय भी त्रिकाल आनंदमय है, इसलिए उसका आश्रय करने से आनंद की पर्याय प्रकट होती है अर्थात बाहर आती है। इसी प्रकार भगवान आत्मा में वीर्य गुण त्रिकाल है, और उसकी कारण पर्याय भी ध्रुव त्रिकाल है, जितने गुण उतनी कारण पर्याय, इसलिए उसके आश्रय से वीर्य की बल की शक्ति पर्याय प्रकट होती है। वीर्य कहो, बल कहो, शक्ति कहो, पुरुषार्थ कहो, ये पर्याय प्रकट होती है, क्योंकि कोई गुण किसी गुण के आश्रय से नहीं होता, ऐसा भी है ना, इसलिए गुण स्वतंत्र है और उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है। अरे गुण को पर्याय का कारण कहना ये भी व्यवहार है, पर द्रव्य तो बहुत दूर रह गया,
पर्याय का कारण गुण को कहना अथवा पर्याय के पर्याय का कारण निज द्रव्य को कहना, ये भी व्यवहार हो गया। क्यों? क्योंकि एक सत को दूसरे सत का कारण कहा गया, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करे, ये व्यवहार नहीं का स्वरूप है, और ऐसा ही मान ले ये मिथ्यात्व है। आ गया, है ना? पर द्रव्य से पृथक करना है तो ये द्रव्य की पर्याय है ऐसा बोला जाता है, द्रव्य से पर्याय होती ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि पर से नहीं होती लेकिन द्रव्य से होती है, तो द्रव्य अभी है कि पर्याय क्यों नहीं है, शुद्धता की धारा क्यों नहीं है? तो नक्की क्या होगा कि नक्की ये होगा कि त्रिकाल सत वर्तमान सत का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर सत तो निज सत में पर अपना अपने क्षणिक सत का कर्ता है ही नहीं, लेकिन अपना त्रिकाली सत वो भी अपने क्षणिक सत का, अर्थात अपना त्रिकाली द्रव्य और गुण भी अपने क्षणिक पर्याय का, अपनी उत्पाद वे वाली क्षणिक पर्याय का वास्तव में कर्ता नहीं। पर्याय कैसे होती है कि पर्याय अपने सत कारक के परिणमन से स्वतंत्र होती है, ये आ गया, उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है। इसलिए जिस गुण की जो पर्याय प्रकट होती है वह उसके गुण के आश्रय से ही प्रकट होती है, अन्य गुण के आश्रय से नहीं। देखो यहां दो बातें हो गई, गुण के आश्रय से ही प्रकट होती है, यह क्यों कहा? क्योंकि अन्य गुण के आश्रय से नहीं होती, तो अन्य गुण के आश्रय का निषेध करना है, तो अपने गुण के आश्रय से प्रकट होती है। अब फिर प्रश्न करें अपन कि तो अपने गुण के आश्रय से प्रकट होती तो अपना गुण तो है, अनादि अनंत विद्यमान है, फिर पर्याय क्यों नहीं प्रकट हुई? तो उसका उत्तर देंगे कि पर्याय सट कारक के परिणमन से होती है, ऐसा। अन्य गुण के आश्रय से नहीं, अर्थात संपूर्ण द्रव्य का यानी अभेद का आश्रय लेने पर साथ ही गुण का आश्रय भी आ जाता है, और इस प्रकार गुण की पर्याय बाहर आती है। गजब बात है भाई, गुण का आश्रय अलग से लेने नहीं जाना पड़ता, पर्याय का आश्रय अलग से लेने जाना, कारण पर्याय का आश्रय अलग से लेने जाना नहीं पड़ता, द्रव्य के आश्रय में सबका आश्रय आ जाता है। अहो, ऐसा जैन दर्शन अलौकिक है, यह दिगंबर जैन दर्शन ही जैन दर्शन है, और यही विश्व दर्शन है, क्योंकि यह वस्तु दर्शन है और वस्तुओं के समुदाय का नाम ही तो विश्व है। परमार्थ धर्म दर्शन है, आहा, जिसको यह जैन दर्शन बैठे अर्थात जचे उसकी मुक्ति हुए बिना नहीं रहे, ऐसी बात है बापू, नहीं बैठे तो क्या, नहीं बैठे तो कुछ ही कर ले तू, ये जैन दर्शन का सत्य स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ ही कर लेना, तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। आ गया, 31 स्वर्ग में 31 सागर तक चला जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के लिए तो ये आवश्यक है जो और बताया गया। इसी तरह आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम का गुण है, ये स्वच्छ 47 शक्तियों में है स्वच्छत्व शक्ति, और उस गुण के साथ अंदर स्वच्छत्व की कारण पर्याय ध्रुव त्रिकाल रहती है, उसके आश्रय से स्वच्छत्व की पर्याय प्रकट होती है। लो फिर 47 गुण याद आए, अब वो 47 शक्तियां है ना, तो ऐसे एक एक में लगा लेना, है ना? अब ये सोचो कि कितना विस्तार है, समझने के लिए कितना विस्तार है, समाने के लिए तो इतनी जरूरत ही नहीं है, लेकिन सत्य समझना हो, आत्मा का सत्य वैभव समझना हो तो वो वैभव किस तरह का है ना, तो वो यहां पे 47 सकते हैं याद आई। इसी प्रकार अंदर एक त्रिकाली प्रकाश गुण है, ये प्रकाश शक्ति है एक आत्मा में, आहा, आत्मा स्वसंवेदन के द्वारा प्रत्यक्ष हो, स्वानुभूतिया चकास्ते, इसका नाम प्रकाश शक्ति, ऐसा ऐसा उसका प्रकाश गुण है, और उस गुण के साथ वैसी उसकी त्रिकाली कारण पर्याय तन्मय रूप से रहती है, अतः उसके आश्रय से उसमें एकाग्र होने पर आत्मा प्रत्यक्ष होता है। आत्मा में प्रकाश नाम की शक्ति है, तो प्रकाश नाम की शक्ति की वजह से आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वभाव वाला है, प्रत्यक्ष होता है स्वसंवेदन। भाई अंदर कारण है, उसमें से कार्य आता है, अर्थात कारण के आश्रय से कार्य होता है,
पर के आश्रय से नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना जरा, त्रिकाली कारण के आश्रय से कार्य होता है, ये कथन कब व्यवहार और कब निश्चय? ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है? कैसे? हाँ, निमित्त के निमित्त से कार्य का निषेध करना हो तब ये कथन निश्चय का है। आ गया? और तत्समय की योग्यता से कार्य होता है, जब ये पर्याय सत को स्वतंत्र सिद्ध करना हो तब द्रव्य से पर्याय होती है, ये कथन व्यवहार में चला गया। क्यों? क्योंकि द्रव्य है वो त्रिकाली सत है, गुण द्रव्य गुण कारण पर्याय ये सब त्रिकाली सत है, और इसके आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय वो वर्तमान सत है। तो त्रिकाल एक सत से दूसरे सत का होना कहना ये व्यवहार हो गया। आ गया? ये व्यवहार किसका ये इस व्यवहार का निषेध कौन करता है कि तत् समय की योग्यता से पर्याय होती है, अपने सत्कारक के परिणमन से पर्याय होती है ना? और ये त्रिकाली के आश्रय से होती है कि ये कौन से व्यवहार का निषेध करता है कि ज्ञानी को परद्रव्य का कर्ता नहीं मानने पर भी, देखो ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं मानता फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंधवश या उपचारवश परद्रव्य के साथ कर्ता की भाषा का प्रयोग तो ज्ञानी भी करते हैं। ज्ञानी से पूछे तो वो भी बोलेंगे ना, हाँ हमने ये काम आज आपने आज, अरे सब आज तो सुबह से, आज सुबह ये ऐसा किया फिर ये किया, ये भाषा ज्ञानी भी बोलेंगे और यही भाषा अज्ञानी भी बोलेगा। तो अज्ञानी और ज्ञानी की भाषा में जमीन आसमान का अंतर, भाषा वही लेकिन अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर। अज्ञानी जैसा बोलता है वैसा मानता है और ज्ञानी जैसा बोलता है उससे उल्टा मानता है। कि साहब इसका मतलब ज्ञानी मायाचारी हुआ, ज्ञानी मायाचारी हुआ, अज्ञानी बढ़िया है, जो कहता है वही मानता है, कि इसलिए तो अज्ञानी हुआ, क्योंकि कहने की बात और होती है और मानने की बात और होती है, और जैसा कहे ऐसा ही यदि लोक में मानने लग जाए तो इतने अनर्थों का जन्म होगा जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना? बहुत है, वो उदाहरण ज्यादा देने की नहीं आवश्यकता, लेकिन इतने अनर्थों का जन्म होगा उसमें। इसलिए कहने की भाषा वो तो कोई प्रयोजन से कही जाती है लेकिन उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती, और परमार्थ की जो भाषा है ना वो वास्तविक भाषा है। तो ये परमार्थ नहीं, ये तो निमित्त का निषेध किया तो त्रिकाली को निश्चय कारण कह दिया, और जब तत्समय की योग्यता लाएंगे ना कारण के रूप में, वो कार्य का नियामक कारण, जब कार्य का नियामक कारण आप खड़ा करोगे तो त्रिकाली द्रव्य को व्यवहार कह देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकाली द्रव्य की विद्यमानता हो और समय दर्शन रूपी कार्य हो और नहीं भी हो, क्यों? क्योंकि पर्याय की योग्यता नहीं, और पर्याय की योग्यता रूप समर्थ उपादान कारण हो और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा तीन काल में नहीं होता। और वहां सम्यक दर्शन है तो त्रिकाली है कि नहीं वहां पे विद्यमान? त्रिकाली है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और निमित्त में दर्शन मोनी कर्म की प्रकृति का उपसम छेदोपसम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो चारों कारण भी आ गए, तत्समय की योग्यता आ गया, पूर्व पर्याय का व्यय होकर के कार्य हुआ यह आ गया, उस समय त्रिकाली द्रव्य था यह आ गया, उस समय निमित्त कौन था यह आ गया। निषेध किसका किया? कार्य में कारण होने का निषेध नहीं किया, कारण ने इस कारण ने यह कार्य किया, इस कर्ता बने का निषेध किया। कारण का निषेध किया? निमित्त का थोड़ी निषेध किया है, निमित्त के कर्ता बने का निषेध है। गलती क्या हो रही है? निमित्त के कर्ता बने का निषेध है, और अपन क्या समझते हैं कि निमित्त का निषेध नहीं, लोग समझते ना कि निमित्त को उड़ाते हैं, है ना? ये है इसमें आगे और भी इसके अभी ये अन्य गुण है प्रभुत्व वगैरह, इन पे ये घटित करेंगे। श्रोत स्वरूप अविनाशी में आ